ओम शांति, ओम शांति। मीठे बहन भाई फिर से बोलो ओम शांति। आधा पौना घंटा पहले समाचार मिला, हमारी राजी बहन दयाल भाई तो यहाँ ज्ञान सरो में रहता है, राजी बहन पांडव वन में रही है, अच्छा मिसाल रही है, अभी सरी छोरा अहमदाबाद में। तो ये एक चेतावनी मिलती है, जो पुरुषार्थ का 900 कर लो, विदेश में भी सेवा करके आई है अच्छी तरह। मैं नहीं समझती उसने कभी किसको दुख दिया होगा, न दुख लिया होगा। मैं जानती हूँ इसको दुबई से लेकर जानती हूँ, जब दुबई में ज्ञान लिया था तो समय पास होता जाता है, हर एक अपने बाबा की द्वारा जो पालना पराई है, जो प्राप्ति है, उनसे जो सेवा है, अपनी कमाई जमा करते हैं। बाकी बाबा की मुरली हर रोज सब कुछ बताती है। कुछ भी कोई बात बाबा नहीं छोड़ता, जो हम कहे हमको पता नहीं था। निर्मला बहन यहाँ 75 पॉइंट्स जो निकली थी सुनाई है क्लास में? नहीं सुनाई है, मैंने आज सुबह को परी सिंधी में निकाली है। बड़ा अच्छे हमारे राजू भाई, फिर जो सिंधी में लिखने वाला उसने कल मुझे लिख करके दिया, वंडरफुल है। कभी निर्मला बहन प्रोग्राम बनाओ, जरूर सभी को सुननी चाहिए। साकार में बाबा ने जो सब प्रेरणाएं दी है, उस साकार में हमने आंखों से देखी है, आप भी देख रहे हैं, देखेंगे। एक एक बाबा का महावाक्य है, और शिक्षाएं भी जो बाबा ने दी है वो भी आई ना है हमारे सामने। बाबा का ये गीत प्यारा है, मुखरा देख ले प्राणी। रोज सवेरे में अमृत वेले बाबा को याद करते, मुखरा देखते हैं, बाबा को याद करते हैं, पता चलता है मेरी याद कैसी है, किस तरह से याद है। याद के लिए बाबा ने बहुत अच्छा समझाया है, रोज समझाता है, पर आज तो और अच्छा समझाया। याद क्या है? और मुझे याद पता था, एक बारी बाबा ने अभी आज आज मुरली में है, मैं याद क्यों करूं? मैं सुख थोड़ी याद करता है, सब आशिक का काम है मैं सुख के याद में रहना। ऐसा कान पकड़ा है विक्रम, तुम्हारे भी नाश होंगे तुम मुझे याद करेंगे तो मैं तुमको याद क्यों करूं? इतनी सब पर समझानी देता है ये ब्रह्मा बाबा, कैसे शिव बाबा के याद में रहता है। भले मुरली चलाता है, हमेशा कहता है मैं नहीं चलाता, बाबा चलाता है, बाबा समझाता है, वो सुनाता है, मैं सुनता हूँ फिर समझाता हूँ, उसमें बीच में विचार सागर मंथन करना। जो बच्चे अच्छा विचार सागर मंथन करते हैं ना, उनको पता चलता है बाबा ने क्या समझाया। मैं ये भी कहेंगी, बड़े भाग्य की बात है,
बाबा ने एक ही बार हमको अमृतसर में कहा था सुबह को, मैं बहुत करके कल भी सुना थी, बाबा ने मुझे बहुत समय से बहुत अच्छी टाइम टू टाइम ऐसी शिक्षाएं दी है जो डायरेक्ट मिली हुई शिक्षाओं से आज बाबा की शिक्षाएं स्वरूप में लाना और कोई बात अपने न अंदर लेना न चेहरे पर लाना, न दिल, जो बात दिल में जाती है वो चेहरे पर आती है चलन में। तो बाबा का चेहरे और चलन से सेवा करो। सेवा हर कदम पर सेवा है, हर संकल्प में सेवा है, हर कर्म में सेवा है, परंतु उसमें बाबा की याद है तो कर्म में भी सेवा है, चलन में भी सेवा है, चेहरा भी सेवा करता है। तो कल जैसे मैं से पूछा, मुझे अच्छी बात लगी ये, किसी ने पूछा ऊपर बाबा को याद करें या ज्ञान की गहराई में सागर में अंदर चले जाएं, ज्ञान सागर बाबा है तो अंतर मुखियों करके गहराई में जाना होगा, तभी तो ज्ञान रत्न, ज्ञान सागर बाबा है। इसकी सागर के किनारे पर भी जाओ ना, बड़ा छान बहुत है, सिर्फ सागर के किनारे पर बैठ जाओ। तो बाबा कराची में हमको सिखाता था, सागर के किनारे पर बैठता था, कहता है कितना सागर में किचरा फेंको, दूसरी लहर से फेंक दे, बाहर फेंक देता है, अंदर किचरे को जाने नहीं देता है, कितना भी सागर में फेंको अंदर किचरे को नहीं जाने देता, एकदम एक ही लहर से बाहर फेंकता है। क्या देखो ये कितना सुंदर है, और सागर के किनारे पर बैठो, सागर के अंत तक देखो, जैसे आकाश और सागर इकट्ठा दिखाई पड़ता है, आकाश ऊपर है सागर नीचे है, दूर से सागर इकट्ठे दिखाई पड़ते। बुद्धि जितनी ऊपर हो तो प्राम रहेंगे, नष्टो मोहा अनासक्त वृत्ति, कोई में भी आसक्ति नहीं, न दे न वंडर। तो ये है, परसु बाबा ने कहा चित्रों को नहीं देखो, ये चित्र ही भूल जाना है तो चित्रों को नहीं देखना है, ये तो छोटे बच्चों के लिए चित्र है। कल बोला सारा दिन लक्ष्मी नारायण को देखो, दोनों बाबा दे बाबा ने कल बोला लक्ष्मी नारायण को जरूर देखो, सामने देखो, मन मना भव ब्रह्मा में कम याद कर, पहले मन मना भव ब्रह्मा में कम याद कर, फिर मध्याजी भव सुदर्शन चक्रधारी बनो। कर्मयोगी कर्म से बाबा के द्वारा सिखाए हुए गुण लाइफ में दिखाओ, गुणों का पता कर्म से पड़ता है, वाणी का पता अंदर कितनी देय मानी स्थिति है या देय मान जुड़ा हुआ है, थोड़ा भी देह मान होगा
तो वाणी द्वारा किसको तीर नहीं लगेगा। बोले कितनी वाणी चल रहा है? तो आज बाबा ने कहा वाणी ऐसी हो जो कोई तो अगर कहे बाबा फलाने ने मुझे बड़ा अच्छा सुख दिया, बड़ा अच्छा समझे। कभी किसी को ऐसे नहीं बात करो जो उसको दुख होवे। तो वाणी पर परचिंतन करना, पर बात पराई बातें औरों की बातें मुख से बोलना, मिल करके बोलना कितना महापाप है, महापाप है। हम एक नहीं हैं, सब हैं हम। बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं मिलकर के ऐसी सेवा करो, रूहानियत में रहो। हम जब आपस में रूहानी बातें करते, मामा हम बदाजों से करते थे, खींच होती थी, हम भी सुने, हम भी ऐसी बात करें। बात ऐसी करें जो सबको उनका सबका भला हुए। प्रसन्न मुख से करें, प्रसन्न अंदर अंतर्मुखी करें, फिर बाहर से मिल करके श्रीमत क्या कहती है, बड़ी अच्छी तरह से रू हरियाण करें। मन मत जन मत मिक्स न हो, क्योंकि पुण्य आत्मा बनना है ना। पहले पाप आत्मा थे, ब्रह्मा बाबा खुद भी कहता है हम थे, बाबा के बन गए हैं, पतित पावन बाबा के बच्चे बने हैं। पौत्र बनो, योगी बनो, योग से पौत्र बनते हैं, पौत्रता से योग की शक्ति पैदा हो जाती है। समझा मेरी बात? पौत्रता से अगर पौत्रता थोड़ी भी कम है तो योग नहीं है, थोड़ा भी अशुद्ध संकल्प तो योग नहीं है, थोड़ा भी व्यर्थ ख्याल है तो योग नहीं है। क्यों? किसके साथ योग है? शांति के सागर के साथ तो शांत आ जानी चाहिए, ज्ञान सागर के साथ तो ज्ञान हमारे अंदर आत्मा में चले जाना चाहिए, प्रेम के सागर के साथ है। सागर है हमारा, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। इसलिए परमात्मा के लिए भक्ति में भी सच्चिदानंद स्वरूप है। बाबा हम आत्माओं को भी चैतन्य में है, चैतन्य है पर सत्य सच्चाई से आनंद स्वरूप बन जाते हैं। तो सुख शांति प्रेम, सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप बन जाए। अभी बाबा का लास्ट रन है, जो बड़ा चलो मेरे से भूल या किसे भी भूल जा। अब बाबा सामने आ रहा है, अभी हम ऐसी रिजल्ट बाबा के सामने रखें अपनी पर्सनल। सबका फिक्र मेरे को फिक्र, सबका फिक्र पर इतना ज़रूर है बाबा जो इतना परम धाम से आकर के
साकार में तो परम धाम से आकर के साकार बाप द्वारा पर आया, अभी अव्यक्त तत्वतर से दोनों बाप दादा हमेशा बाप दादा के बाप दादा कहते हैं, बाप दादा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा के मुख से बाप दादा नहीं निकलता है, बाप बाप कहते हैं। अब कहते बाप दादा कहते हैं दोनों कट्ठे। तो ये आंखें खोल के देखे तो सही, कौन बैठे है सामने, किसके बोल कानों द्वारा सुन रहे हैं। मुझे लगता है संगम युग पर जो ये हमारे शरीर में कान है ना, ऐसे कान सारे कल्प में नहीं होंगे होंगे रतन भाई, होंगे ऐसे कान। ये कान इतना हमको चेहरा हर्षित बना देता है, मुरझाए हुए को खिरा देता है कान। बाबा के महावाक्य, तो मैं नाम नहीं लेती हूं पर हर एक से प्यार बहुत है मरा। तो मेरे से पूछा कि उसने स्नेह और प्यार में क्या फर्क है, बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। क्योंकि बाबा ने ईश्वरी स्नेह में संपन्न बनने के लिए कितना ऊंची पढ़ाई की है, कराई है, प्यार दिया बच्चा बना के, बच्चे है तो प्यार करता है। प्यार का सबूत देना है ईश्वरी स्नेह में संपन्न बनना है, ईश्वरी स्नेह में। और मैंने अंदर आप भी गहराई में जाएंगे, जितना दुनिया जाना गहराई में, ईश्वरी स्नेह से ही हम संपन्न बन सकते हैं। कहाँ दे लाओ ऐसे नहीं, बाबा को याद करते तो आज बाबा ने ये भी बताया है, चार्ट लिखते हैं बाबा को, मैं समझ जाता हूँ ये चार्ट इतना अच्छा लिखते हैं। बाबा कहते मेरा भी ऐसा चार्ट नहीं है, पर इससे अच्छा लिखते कैसे लिखते हैं। पर बाबा चार्ट किसको कहता है, चलते फिरते खाते हैं तो किसका खा रहे हैं, खिला रहे हैं तो किसके भंडारे में बना रहे हैं, भंडारा बाबा का है। सर हम खाना बनाने वाले हैं, कितनी कमाई हो रही है, बनाया किसी ने खिला रही हूँ सिर्फ। बाबा खिलाने वाले को भी बहुत प्यार करता था, खिलाने वाला ऐसा खिलावे जो खाने वालों का एकदम बुद्धि बाबा में लग जावे। तो जो भी प्रकार की सेवा है दिल से सेवा करो, सच्चाई से सेवा करो, आवाज में नहीं आओ। जो आवाज से परे जाने का भी प्रैक्टिस करनी है, सेवा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा सेवा करने से, कर्मेंद्रियों द्वारा सेवा जो पीछे जो खराब कर्म किए हैं ना वो खलास हो जाते हैं। ऐसे से याद से नहीं होंगे, भाई बाबा कहते याद से भी कर्म नाश होंगे, पर नहीं, कर्म उल्टा कर्म इंद्रियों द्वारा किया है, उस मन कर्म इंद्रियों को शुद्ध शांत बनाना है। तो कर्म भी करना है पर मन कर्म इंद्रियों द्वारा, मन को शुद्ध शांत और कर्म इंद्रियों से। कर्म ऐसा हो जो कर्म बतलाए ईश्वरी सेवा क्या होती है, अंदर शक्ति बहुत आ रही है।
तो याद की शक्ति और ईश्वरी सेवा की शक्ति संगठन में, ईश्वरी स्नेह में से हरे के साथ ऐसा श्रेष्ठ व्यवहार की शक्ति, कितनी शक्ति है। मीरा बहन क्या कर रही है? देखते हैं ना क्या शक्ति है। याद सच्ची है तो आज बाबा समझाएगा, सुनना। सेवा ईश्वरी परिवार में हर एक समझे, मेरा भाई है, मेरी बहन है। लगाव न हो, सच्चा प्रेम, ईश्वरी स्नेह, से ये वायुमंडल औरों को खींचोगी बाबा के घर आने की। और जहाँ हम होंगे वहाँ जो भी आत्माएं आएंगी उनको ये खींचोगी। कि ये तो सेवा की शक्ति, याद की शक्ति, पर ईश्वरी स्नेह में जो शक्ति है ना, याद और सेवा में कमाल का काम करती है। तो ये कमाई करते चलो, करते चलो। पुरानी बात पर आई बात से फ्री हो जाओ। अपनी भी कोई पुरानी है ना, छोड़ दो, मेरे से हो गया, या दूसरे के उनसे जो जब तक फ्री नहीं हुए हैं तो याद नहीं रह सकेंगे। अपनी भी कोई नेचर के, कभी कभी नेचर अपनी असल ऐसा पकड़ के बिठाती है, उसी अनुसार चलाती है। चेक करो और अपन को अंदर ही रियलाइजेशन से चेंज करो, चेक करो, रियलाइजेशन चेंज करो, बाबा आ रहा है। कोई अपने नेचर को अच्छा यूज करते हैं, अच्छा समझ के यूज करते हैं, वो नेचर अच्छा बने नहीं देती है, पर जो अच्छा समझ के यूज करते हैं पर्सनालिटी में, और जैसा बाबा बनाने चाहता है वो अच्छा बने नहीं देती है। तो अपने ऊपर बैर करना, बाबा ने बहुत तबारे पर मैर की है, अपने पर मैर करना संगम युग पर, रैम दिल सच्ची दिल बन जाए। औरों पर भी रैम आता है, जब अपने ऊपर करते हैं तो रैम दिल बन जाते हैं, कठोर दिल नहीं होते हैं। अच्छा सुनो मुरली।